गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लिखने वाले हैं हिंदी। आज हम हिंदी में दो नया अक्षर आज हम अपने कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों चलिए अपना हिंदी बुक निकाले और हिंदी कॉपी भी निकालते हैं और आज हम दो नया अक्षर। तो हिंदी बुक निकाले और हिंदी कॉपी निकाले, चलिए आज हम दो नया अक्षर के बारे में पढ़ेंगे और उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। आज हम लिखने जा रहे हैं श, श, श से क्षति, श से क्षत्रिय, श से क्षति, श से क्षत्रिय, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। ये क्या है? ये है श, ये है क्ष, क्ष से होता है क्षति। क्षति मतलब जो नुकसान हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट से, कोई तूफान आने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है ना बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षति, 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 क्षत्रिय, क्षत्रिय। ये एक जाति के लोग होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए ये बने रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय, जैसे क्षत्रिय। यह है त्रिशूल, जैसे त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। और एक बार पढ़े, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, क्ष, 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 क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, त्र, 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 त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। चलिए अपना हिंदी कॉपी निकालते हैं। श, यहाँ पे हम लिखेंगे श, श, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय। बच्चों ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा लिखने के लिए, फिर भी अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हम इसको लिख पाएंगे। क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको भी हम लिखना जान जाएंगे। क्ष, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय। से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय,
क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय। इसी तरह से हमें क्ष लिखना है। अभी लिखेंगे त्र। त्र से क्या होता है? त्र से होता है त्रिशूल, त्र से होता है त्रिभुज। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। और त्रिभुज को और भी त्रिकोण बोल के भी बोला जाता है, त्रिकोण। चलिए अभी लिखेंगे त्र। त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिकोण। 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 इसी तरह से अपने अपना कॉपी में आपको ये क्ष और त्र को लिखना है। त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिकोण। तो आज हमने क्या लिखे बच्चों? क्ष और त्र। क्ष और त्र को आज हम कॉपी में लिखना सीखे। तो बच्चों इसको आपको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने कॉपी में इसको लिखना है। तो बच्चों चलिए और एक बार हम अपने बुक को रीडिंग कर लेते हैं। देखिए क्ष, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। तो बच्चों आज हमने क्या लिखना सीखा? आज हमने दो नया अक्षर लिखना सीखा, वो है क्ष और त्र। तो प्यारे बच्चों इसको अपने हिंदी कॉपी में लिखें और लिखना प्रैक्टिस करें और हमेशा दोनों लाइन के अंदर इसको लिखेंगे तो हमारा अक्षर जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क है कि ये दो अक्षर आप अपने कॉपी में लिखें और इसको भी मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजिए ताकि मैं भी थोड़ा करेक्शन कर सकूं। ग्रुप में भेजना नहीं है, इसको आपको लिख के सेपरेट व्हाट्सएप नंबर में भेजना है। क्या लिखेंगे आज? क्ष, क्ष से क्षति, क्ष से क्षत्रिय, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज।